Hello everyone, here we are going to learn Math 6th Standard. First chapter is Knowing Our Numbers. Exercise 1.2. Question number 5. First read the question. Find the difference between the greatest and the least 5 digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3. Each only once. यहाँ पे हम क्वेश्चन में 5 डिफरेंट डिजिट्स दिया है. यहाँ पे 5 डिजिट्स को मिला के एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, वो भी 5 डिजिट की, एंड 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है. हम जानते हैं ना कैसे बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, यहाँ पे नंबर्स है 6, 2, 7, 4, 3. एक ही बार यूज करना है, रिपीट नहीं करना है. उनको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है. सबसे पहले 7, 6, 4, 3, 2. देखिए, सी हियर, ओके, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दीज 5 डिजिट्स. ओके, दिस इज अ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या होता है, यही नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके, 2, 3, 4, 6 एंड 7. आफ्टर राइटिंग दिस वी गेट द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. हियर क्या करना है हमको, हियर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स. व्हाट इज दैट, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ये दोनों नंबर्स की डिफरेंस फाइंड करना है. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 52,965. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? यहाँ पे एक मशीन है, वो स्क्रूज बनाते हैं. कितना बनाते हैं वन डे के लिए? 2,825 स्क्रूज. ओके, ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी. यहाँ पे एक मंथ है 2006 ईयर में, जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज बनाते हैं, इस तरह पूछ रहे हैं. एक्चुअली 2006 हो, 7 हो, कोई भी ईयर हो, जनवरी में कितने डेज होता है? 31 डेज. यस, फर्स्ट सी, फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चरर्स इन ए डे. एक दिन में कितने बनते हैं? 2,825. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चरर्स इन ए मंथ ऑफ जनवरी, इन ए मंथ जनवरी में कितना है वो देखना है. ओके, 31 डेज जनवरी में होता है. सो 31 मल्टीप्लाई विथ 2,825. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 87,575. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर. शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच. हाउ मच मनी विल रिमाइन विथ हर आफ्टर द परचेज. ओके, यहाँ पे ए मर्चेंट है, उनके साथ कितना अमाउंट है, उनके पास कितना अमाउंट है? 78,592 रुपीज उनके पास है. ओके, शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग. वो रेडियो की परचेज करना चाहती है. एक रेडियो सेट है 1200 रुपीज. ओके, वो कितना रेडियो परचेज करने जा रही है? 40 रेडियो सेट्स. एक रेडियो का सेट 1200 होगा तो 40 रेडियो सेट्स कितना होता है? वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1200. देन आफ्टर दैट वी गेट 48,000 रुपीज. दैट इज द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स. ओके, उनके पास अमाउंट कितना था? 78,592. अभी परचेज करने के बाद कितना बचेगा उनके पास, कितना लेफ्ट होगा? ओके, मनी शी हैड विथ हर, दैट इज 78,592. कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज कितना है? 48,000 रुपीज. माइनस करना है, जनरली ऐसा ही होता है ना, टोटल अमाउंट में से खर्चा करने के बाद कितना बचता है, वैसा ही तो करना है हमको यहाँ पर भी. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन द वी गेट 30,592 रुपीज. द मनी विल रिमाइन विथ हर आफ्टर परचेज, दैट इज 30,592 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56.
By how much was his answer greater than the correct answer? Hint. Do you need to do both the multiplications? Okay. यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ 56. एक्चुअली 56 के साथ मल्टीप्लीकेशन करने का था, लेकिन उन्होंने 65 के साथ किया है. लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करके उनका डिफरेंस भी निकालना है. ओके, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. एक बार इनके साथ ये दोनों को और एक बार ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये दोनों को डिफरेंस निकालने के लिए ये दोनों का फर्स्ट 65 एंड 56 का माइनस करके जो आता है दैट इज 9. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 65 एंड 56 इक्वल टू 9. वो उनको 7236 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 65,124. The difference between the two multiplications is 65,124. Here we don't need to do both the multiplications. Okay? The answer greater than the correct answer is 65,124.